हेलो दोस्तों, क्लास इलेवंथ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आजकल हम क्लास इलेवंथ फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 कर रहे हैं, जो कि है अणुगति सिद्धांत। और आज का हमारा टॉपिक है किसी आदर्श गैस का दाब। हमने पिछली क्लास में आदर्श गैस के गुणों के बारे में चर्चा करी थी। जो आदर्श गैस के मुख्य गुण होते हैं वो हमने आपको बताए थे। पहला तो आदर्श गैस के अणु का जो आकार होता है वो अत्यधिक सूक्ष्म होता है। दूसरा, आदर्श गैस के जो अणु होते हैं इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। और चूंकि इनके अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, इसलिए आदर्श गैस को न तो द्रव और न ही ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि द्रव तथा ठोस में अणुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। साथ ही ये जो आदर्श गैस के अणु होते हैं, यह जिस पात्र में आदर्श गैस भरी जाती है उसमें सभी दिशाओं में एक समान रूप से वितरित रहते हैं। अर्थात न तो यह किसी एक स्थान पर बहुत सारे अणु एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और न कोई ऐसा होता है कि कोई उस पात्र के अंदर, उस बर्तन के अंदर कोई एक स्थान रिक्त रह जाए। इसका अर्थ हुआ कि यह सभी स्थानों पर एक समान रूप से व्यवस्थित रहते हैं, एक समान रूप से स्थित रहते हैं। और साथ में हम जानते हैं यह अनियमित गति करते रहते हैं, यह किसी स्थान पर रुकते नहीं है इसके अणु, और लगातार अपने अधिकतम वेग से गति करते रहते हैं। इन अणुओं पर किसी भी प्रकार का कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य भी नहीं करता। तो यह सब बातें हमने पिछली बार करी थी, और मुझे लगता है आपको पिछली बार में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा आदर्श गैस। आज हम आदर्श गैस में जो कि दाब होता है, आदर्श गैस का दाब, उसमें हम आज एक्सप्रेशन करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमने सबसे पहले एक हम कह सकते हैं कि एक घन के आकार, इस प्रकार से हमने एक घन बनाया। ये हमने एक बर्तन बनाया जो कि घन के आकार का है। घन के आकार का अर्थ है कि इसकी सारी की सारी भुजाएं, यदि यह भुजा भी हमने क्या ले ली, एल ले ली, यह भुजा भी हम कह सकते हैं एल ले ली, और यह वाली भुजा भी हमारी क्या है, एल ही है। इसलिए हम कह रहे हैं यह एक घन है। इसके हम विभिन्न पक्षों के नाम लिख लेते हैं। मान लेते हैं यह वाला जो हमारा पृष्ठ है घन का, इसको नाम दे रहे हैं ए, बी, सी, डी। ये डी है, और इसके सामने वाले को हम लिख सकते हैं, ये है ई, ये एफ, स्मॉल ई दे रहे हैं, ई एफ, ये है जी, और यह वाला बिंदु हम कह रहे हैं ओ। इस ओ बिंदु से जो तीन भुजाएं जा रही है, एक इधर की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक इधर की ओर, मान लेते हैं यह तीन अक्षों को निरूपित कर रही हैं। तो इसमें कौन कौन सी अक्षें हमारी आ गई? हमने कहा इस वाली दिशा में जो हमारी अक्ष आ रही है, यह वाली भुजा, यह हमारी एक्स अक्ष को प्रदर्शित कर रही है। इस दिशा में जो अक्ष जा रही है वो मान लेते हैं वाई अक्ष को प्रदर्शित कर रही है, और इस वाली दिशा में जो अक्ष बन रही है वो मान लेते हैं जेड अक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम कह रहे हैं कि हमने इस घन के भीतर जिसकी एक भुजा एल है, इसके भीतर हमने कोई एक आदर्श गैस भर दी। तो लिखते हैं इस बात को, माना एल भुजा का एक घन है। एक हमने क्या लिया, यह घन है जिसमें कि आदर्श गैस भरी है। माना आदर्श गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल एम है तथा कुल अणुओं की संख्या
अणुओं की संख्या कैपिटल एन है। तो हमने क्या मान लिया कि इस घन के अंदर भीतर जो हमने आदर्श गैस भरी हुई है उसके एक अणु का जो द्रव्यमान है वह स्मॉल एन है, तथा कुल जो इसमें आदर्श गैस के अणुओं की जो कुल संख्या होगी इस पात्र में वो क्या है, कैपिटल एन के बराबर है। अब मान लेते हैं कि इसके भीतर जो अणु है वह अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, और विभिन्न अणुओं का जो वेग है उन वेगों को हम V1, V2, V3 से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं, माना विभिन्न अणु अणु V1, V2, V3 डॉट 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 VN, VN वेग से सभी संभव दिशाओं में गति कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करा कि हमने कहा इसमें बहुत सारे अणु, हमने कहा एन, और सभी अणुओं के जो वेग होंगे अलग अलग होंगे। पहले अणु का V1 है, दूसरे का V2, तीसरे का V3, चौथे का VN। अब हम यहां पर एक अणु ले रहे हैं, इस अणु की यदि बात करें, इसको थोड़ा सा इधर की ओर ले लें, इस अणु का हम कहें इस एक्स अक्ष की दिशा में जो वेग का घटक होगा उस घटक को किससे प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ये पहला अणु है तो इसके वेग का घटक होगा V1x। वाई अक्ष पर इसका वेग का घटक क्या होगा, क्योंकि वाई अक्ष ऊपर की ओर है तो इस अणु का वेग क्या था, V1, और वाई दिशा में वेग का घटक क्या हो जाएगा, V1y। इसी प्रकार ये जेड दिशा में इस अणु का जो वेग था वो क्या था, हमने कहा V1 है, और जेड दिशा में क्या हो जाएगा, V1z। तो किसी अणु के यदि वेग V1 है तो उसका x दिशा में घटक V1x, y दिशा में घटक V1y, और z दिशा में घटक V1z होगा। तो इस बात को लिख लेते हैं, लिखते हैं, माना किसी अणु का वेग V1 है, अतः इसका एक्स एक्स वाई तथा जेड दिशा में वेग का घटक V1x, V1y तथा V1z होगा। इसी प्रकार अन्य अणुओं के भी वेग के घटक क्या होंगे, अन्य अणुओं के दूसरे अणु का क्या हो जाएगा, V2x, V2y, V2z तथा अगले का V3x, V3y और V3z, और इसी प्रकार अन्यों के होंगे। और nवे का ले सकते हैं VnX, VnY और VnZ होंगे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि पहले अणु के घटक V1X, V1Y, V1Z होंगे, इसी प्रकार अन्य अणुओं के घटक होंगे। तो हम यहां लिख भी लेते हैं, हम लिखते हैं, अतः हम जानते हैं वेग का घटक, पहले अणु का यदि वेग V1 है तो V1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा V1x का स्क्वायर प्लस V1y का स्क्वायर प्लस V1z का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार दूसरे अणु का क्या होगा, V2 स्क्वायर बराबर V2x स्क्वायर प्लस V2y स्क्वायर V2y स्क्वायर प्लस V2z स्क्वायर के बराबर होगा। इसी प्रकार अन्य अणुओं का क्या होगा, nवे अणु का VN स्क्वायर बराबर VnX स्क्वायर प्लस VnY स्क्वायर प्लस VnZ स्क्वायर के बराबर होगा। मुझे लगता है ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि जैसा पहला है वैसा ही है अन्य। अब हम कह रहे हैं कि ये जो अणु था जब ये गति करता है तो इसके वेग का
हम एक्स दिशा में जो घटक है वह क्या है, v1x है। अब यह अणु क्या कर रहा है, टक्कर लगा रहा है इस वाली दीवार पर ए बी सी डी, तो इसके वेग का कौन सा घटक हम लेंगे, एक्स घटक वाला लेंगे। तो हम लिखते हैं मानो v1 वेग का अणु एक्स दिशा में स्थित घन के पृष्ठ, तो घन का पृष्ठ कौन सा हो गया, ए बी सी डी, घन के पृष्ठ ए बी सी डी से किस वेग से टकराएगा, v1x वेग से टकराता है। तो v1x वेग क्या है, इसका x दिशा में वेग का जो घटक है उस वेग से ये टकरा रहा है। तो हम कहते हैं जब टक्कर लगेगी, क्योंकि यह आदर्श गैस के अणु हैं, आदर्श गैस के अणु की जो टक्कर होगी वो पूर्ण प्रत्यास्थ होगी, और टक्कर यदि पूर्ण प्रत्यास्थ है तो उनकी जो कुल ऊर्जा होगी वो क्या होगी, संरक्षित होगी, यानी कि ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी कुल ऊर्जा। तो इसका अर्थ है कि टक्कर से पहले जो इनका वेग होगा, ठीक अणुओं का टक्कर के बाद भी उतना ही वेग होगा। इसका अर्थ है कि यदि V1 वेग से कोई अणु इस दीवार से टक्कर लगा रहा है तो टक्कर के पश्चात इसकी दिशा बदल जाएगी, इधर की ओर हो जाएगा, लेकिन उसका वेग V1x की के समान ही V1x ही रहेगा। तो इसको लिखते हैं, माना आदर्श गैस का अणु, माना एक अणु टक्कर के पश्चात पश्चात माइनस V1x वेग से विपरीत दिशा में गति करता है। किस दिशा में, हमने कहा इस दिशा में, ऐसे दीवार से टकराया और इस दिशा में क्या हो गया, वापस आ गया। तो हम सबसे पहले लिखते हैं टक्कर से पहले इसका संवेग, टक्कर से पहले संवेग हम मान लेते हैं P1 है, और P1 बराबर क्या होगा, अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान है m, और वेग इसका क्या हो गया V1x, ये होगा। अब लिखेंगे टक्कर के पश्चात संवेग, टक्कर के पश्चात एक्स दिशा में संवेग, एक्स दिशा यानी कि इस दिशा में, जब टक्कर लगाएगा अणु ऐसे में तो ये पलट करके इस दिशा में वापस आ जाएगा, यानी कि इस दिशा क्या होगी, विपरीत। तो टक्कर के पश्चात जो संवेग होगा उसे P2 से प्रदर्शित कर रहे हैं, और यह बराबर हमारा हो जाएगा m, और इसका वेग का घटक हो जाएगा -v1x। वेग का परिमाण तो उतना रहेगा लेकिन दिशा बदल जाएगी। तो लिख सकते हैं अतः P2 का मान -m × V1x के बराबर होगा। तो लिखते हैं अतः संवेग परिवर्तन, तो संवेग परिवर्तन डेल्टा P बराबर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा P2 - P1 के बराबर होगा। P2 का मान कितना है, -m × V1x, और P1 का मान कितना है, ये है माइनस का निशान लगा के m × V1x, तो कुल संवेग में परिवर्तन कितना हो गया, ये -2m × V1x के बराबर। तो इतना क्या हो गया, उस अणु के संवेग में परिवर्तन हो गया। अब हम कह रहे हैं कि संवेग में तो इतना परिवर्तन हो गया, अब यदि अणु, हमने कहा यहां से इसने टक्कर लगाई, फिर यहां से गया इस दीवार से टक्कर लगाए इस वाली दीवार से, और यहां से टक्कर लगा करके फिर इसी दिशा में आए इस दीवार पर टक्कर लगाने के लिए, तो कितनी दूरी तय करेगा, यहां से लेके इस पृष्ठों के बीच की दूरी कितनी, एल, तो एल दूरी जाना और एल दूरी आना। तो हम कहते हैं माना अणु द्वारा 2L दूरी तय करने में लगा समय डेल्टा टी हो तो डेल्टा टी का मान बराबर क्या होगा, क्योंकि सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या कहा हमने, सूत्र होता है हमारे पास
चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इस सूत्र का यहां उपयोग करना है। तो समय आ गया, अब दूरी, दूरी कितनी दूरी चला, यहां से यहां तक की दूरी है एल, फिर यहां से इधर ही दिशा में आया तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, टोटल दूरी 2L। अब वेग कितना है पहले वाले अणु का, v1x इसके बराबर आ गया। तो हमें समय पता चल गया। अब हम ये निकालना चाह रहे हैं, हमने समय इसलिए निकाला कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि यह अणु इस दीवार पर कितना बल आरोपित करेगा। अब न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि जो बल होता है वह संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो लिखते हैं, अणु द्वारा ABCD घन पृष्ठ पर लगाया गया गया बल, और किसके, न्यूटन के द्वितीय नियम से, लिख लेते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहेगा, लगाया गया बल F, क्योंकि x दिशा में इस घटक है, सिर्फ इसको हम प्रदर्शित करेंगे Fx से। बल बराबर होता है संवेग परिवर्तन की दर, संवेग कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा पी, और बटे दर क्या आ गई, डेल्टा टी। तो Fx बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा पी का मान कितना है, लिखते हैं डेल्टा, यह मान लेते हैं समीकरण एक है, यह मान लेते हैं समीकरण दो है। तो यहां लिखते हैं समीकरण एक व दो से। तो अब हम समीकरण एक से मान रखें, देखिए जो संवेग परिवर्तन है ये कुल, ये तो हम दिशा के साथ बता रहे हैं कि एक्स दिशा में इधर की ओर संवेग था, बाद में अणु का संवेग ऐसे परिवर्तित हो गया। यदि हम इसका परिमाण लें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2mv1x बटे, समय कितना आ गया, ये हो गया 2L अपॉन v1x, 2L अपॉन v1x। ये v1x ऊपर की ओर चले जाएगा तो ये आ जाएगा, दो से दो कट गया तो ये आ जाएगा m into v1x का स्क्वायर और अपॉन क्या आ जाएगा, L। तो ये लगने वाले बल का मान आ गया कि इस पृष्ठ पर कितना बल आरोपित करेगा, इस बल का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि Fx दिशा में हमने बल तो ज्ञात कर लिया, पर हम कह रहे हैं इस पृष्ठ पर, ABCD पृष्ठ पर लगने वाला दाब कितना होगा। तो लिखते हैं इस बात को, तो लिखते हैं अतः घन के ABCD पृष्ठ पर लगने वाला दाब। तो दाब कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ये सूत्र होता है हमारा, क्योंकि x घटक निकाल रहे हैं इस x दिशा वाला, तो हम यहां पर दाब भी क्या ले लेंगे, पी एक्स ले लेंगे इस प्रकार से, और पी एक्स बल का मान क्या आ जाएगा, Fx, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक भुजा की लंबाई L है तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L × L यानी कि L2। अब इस वाले समीकरण से यदि Fx का मान रखें तो P बराबर हमारा आ जाएगा Fx का मान m into v1x का स्क्वायर बटे L, तो हमारा ये है, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, L2 × L2। तो इसका अर्थ है P जो x है वह बराबर हो गया m into v1x का स्क्वायर बटे L3। तो यह तो केवल हमारे एक अणु द्वारा इस दीवार पर लगाया गया दाब है। तो लिखेंगे अतः सभी अणुओं द्वारा लगाया गया गया दाब। सभी अणु कितना दाब लगाएंगे, सबका समीशन आ जाएगा इस वाले घटक का, तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर, ये हो जाएगा m/L³, तो ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा पहले वेग का घटक v1x का स्क्वायर, दूसरे वेग का घटक v2x का स्क्वायर, प्लस
वी थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एन एक्स का स्क्वायर इसके बराबर होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स बराबर एम अपॉन एल क्यू, और यह आ जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू वन से लेकर के कितना आ जाएगा एन तक आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा वी वन वी आई और साथ में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस दीवार पर सभी अणुओं के द्वारा जितना बल लगाया जाएगा आदर्श गैस के अणुओं द्वारा उसका हमारे पास क्या आ गया घटक आ गया है। ये तो हमारा एक्स के द्वारा आया यानी कि एक्स दिशा में, इसी प्रकार वाई दिशा में कितना घटक होगा इसी प्रकार लिख लेते हैं। इसी प्रकार वाई दिशा के पृष्ठ पर दाब, तो वाई दिशा के पृष्ठ पर दाब क्या हो जाएगा पी वाई इज इक्वल टू एम अपॉन एल क्यू समेशन आई इज इक्वल टू वन से लेके एन तक, ये हो जाएगा वी आई वाई का स्क्वायर। अब इसी प्रकार हम किसके लिए निकाल सकते हैं जेड पर, इसी प्रकार जेड दिशा में, तो जेड दिशा में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पी जेड बराबर एम अपॉन एल क्यू समेशन आई इज इक्वल टू वन से लेके एन तक, और साथ में आ जाएगा वी आई जेड का स्क्वायर। तो एक्स दिशा में हमें घटक पता चल गया, वाई दिशा में घटक पता चल गया, जेड दिशा में घटक पता चल गया। तो हमने तीनों दिशाओं में क्या निकाल लिए घटक निकाल लिए कि गैस के हम इस पृष्ठ पर कितना दाब लगाएंगे, इस पृष्ठ पर कितना दबाव दाब लगाएंगे, इस पृष्ठ पर कितना दाब लगाएंगे, ये तीनों दाब हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम इसका औसत दाब लगा लेंगे कि आदर्श गैस के अणु दीवारों पर जो औसत दाब लगाएंगे वो कितना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने आदर्श गैस द्वारा एक्स वाई तथा जेड दिशाओं में जो दाब आरोपित किया जाएगा उसके द्वारा तीनों पृष्ठों पर उसका मान निकाला जो कि पी एक्स पी वाई पी जेड के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अब हम कहते हैं तो औसत दाब क्या होगा, तो लिखेंगे अतः औसत दाब आदर्श गैस द्वारा आरोपित औसत दाब, औसत दाब पी इज इक्वल टू आ जाएगा पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड अपॉन क्या आ जाएगा थ्री। तो वैल्यू पुट करें तो पी इज इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू यह आ जाएगा एम अपॉन, यदि वन अपॉन थ्री को हम पहले ही बाहर ले लें, वन अपॉन थ्री हमने बाहर ले लिया, अब पी एक्स की वैल्यू रखें ये हो गया एम अपॉन एल की घात तीन, और समेशन आई इज इक्वल टू वन से लेकर के एन तक, और साथ में आ जाएगा वी आई एक्स स्क्वायर प्लस इसी प्रकार दूसरे का एम अपॉन एल क्यूब समेशन आई इज इक्वल टू वन से लेके एन तक वी वाई वी आई पहले वी आई वाई का स्क्वायर प्लस तीसरा आ गया एम अपॉन एल क्यूब समेशन आई इज इक्वल टू वन से लेके एन तक वी आई जेड का स्क्वायर ये आ गया। इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में जो कॉमन है वो एम अपॉन एल क्यू भी कॉमन है और समेशन भी कॉमन है, तो इसको लिखते हैं ये हो गया पी इज इक्वल टू वन ये एम अपॉन थ्री एल क्यू, साथ में आ गया समेशन आई इज इक्वल टू वन से लेके एन तक, अंदर आ जाएगा वी आई एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का आ जाएगा वी वाई वी आई वाई स्क्वायर, और तीसरे का आ जाएगा वी आई जेड स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। अब यदि आई का मान वन से लेके एन तक भी यदि हम रख दें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एम अपॉन थ्री एल क्यूब, इसको लिखा जा सकता है वी वन एक्स का स्क्वायर प्लस वी वन वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वी वन जेड का स्क्वायर प्लस वी टू एक्स का स्क्वायर प्लस वी टू वाई का स्क्वायर प्लस वी टू जेड का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वी एन एक्स का स्क्वायर प्लस वी एन
वाई का स्क्वायर प्लस वी एन जेड का स्क्वायर। अब देखिए यहां हमने आपको पहले बताया था, स्टार्टिंग में जो इक्वेशन बताई थी उसमें बताया था चूंकि वी वन स्क्वायर बराबर होता है वी वन एक्स स्क्वायर प्लस वी वन वाई स्क्वायर प्लस वी वन जेड स्क्वायर, इसके बराबर होता है। इसी प्रकार वी टू स्क्वायर बराबर होगा वी टू एक्स स्क्वायर प्लस वी टू वाई स्क्वायर प्लस वी टू जेड स्क्वायर के बराबर होगा। अब इसी प्रकार हमने कहा था ये वी एन स्क्वायर के लिए होगा वी एन स्क्वायर बराबर ये वी एन एक्स स्क्वायर प्लस वी एन एक्स, यहाँ आ जाएगा वाई दूसरा घटक, वाई स्क्वायर प्लस वी एन जेड स्क्वायर के बराबर हो। तो यह मान यदि इस समीकरण में रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये समीकरण हमारे पास समीकरण आ जाएगी पी इजिकल टू एम अपॉन थ्री एल क्यूब, और इसके मान हमारे पास आ जाएंगे वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वी एन स्क्वायर के बराबर हो गए। तो ये हमारे वेगों का स्क्वायर आ गया। अब इनका हम औसत निकालते हैं, हम लिखते हैं अतः वेगों के वर्गों का औसत। तो इस औसत को हम वी बार स्क्वायर से प्रदर्शित करेंगे, और यह बराबर हमारा किसके हो जाएगा, यह आ जाएगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वी एन स्क्वायर बटे कुल कितने अणु थे, एन थे, तो एन से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो इसका मान हमें चाहिए है तो इस एन की यहां पर गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा वी, यह है वी बार स्क्वायर, एन की यहां गुणा कर दी तो मल्टीप्लाई एन बराबर हो जाएगा वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस वी एन स्क्वायर। यह मान इस समीकरण में रख देते हैं, ये मान लेते हैं समीकरण हमने ध्यान नहीं है, इसको मान लेते हैं समीकरण चार है। तो लिखते हैं समीकरण चार में मान रखने पर तो मान रखते हैं, तो ये आ गया पी इजिकल टू, यह आ गया स्मॉल एम, और इस पूरे का हमारा जो मान निकल के आया वो आया एन गुणा वी बार स्क्वायर, तो एन इंटू वी बार स्क्वायर बटे नीचे है थ्री इंटू एल क्यूब के बराबर हमारा आ गया। तो एक तो हमारे पास यह सूत्र आ गया, इसको थोड़ा और चेंज करें, हम कहते हैं चूंकि एल क्यूब बराबर क्या होता है, आयतन है किसका, उस जो हमने घन लिया है उसका कुल आयतन, आयतन को प्रदर्शित करता है। तो इस वैल्यू को यहां पुट करें तो P इजिकल टू हो जाएगा एम गुणा एन गुणा वी बार स्क्वायर अपॉन वी के बराबर आ जाएगा, साथ में आ गया थ्री। इसका अर्थ है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P इजिकल टू वन अपॉन थ्री एम एन वी बार स्क्वायर बटे हमारा क्या आ जाएगा कैपिटल वी। तो एक ये भी फार्मूला हमारे पास आ गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, हम कहें यदि ये जो एम एन है, ये एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान किसके अणु का, आदर्श गैस के, और एन क्या है, अणुओं की संख्या। हम कहते हैं यदि गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान एम हो तो ये m जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक अणु का द्रव्यमान m गुणा अणुओं की संख्या कैपिटल n। तो स्मॉल m और कैपिटल n की गुणा हम कैपिटल m के बराबर यदि लिखें इस सूत्र में तो क्या आ जाएगा सूत्र, ये सूत्र आ जाएगा p इजिकल टू p बराबर वन अपॉन थ्री, ये आ गया कैपिटल m इंटू वी बार स्क्वायर और अपॉन क्या आ गया कैपिटल v। एक हमारे पास यह सूत्र भी आ गया। साथ ही हम कहें चूंकि m अपॉन वी किसके बराबर होता है, रो, जो कि हमारा क्या होता है घनत्व, ये घनत्व हम किसका लेंगे क्योंकि ये आदर्श गैस का द्रव्यमान है और आदर्श गैस का क्या है आयतन, तो घनत्व भी क्या आएगा आदर्श गैस का आएगा। तो यह मान यदि यहां पर रखें तो p इजिकल टू वन अपॉन थ्री इंटू रो इंटू वी बार स्क्वायर के बराबर होगा।
तो पी क्या है? आदर्श गैस द्वारा लगाया गया दाब। रो क्या है? आदर्श गैस का घनत्व। और वी डैश स्क्वायर क्या है? उसके अणुओं का जो औसत वेग है उसका स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम जो हमारा आदर्श गैस का जो दाब है उसको हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आदर्श गैस के दाब को कैलकुलेट किया। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। पूरा डेरिवेशन मैथमेटिकल बेस्ड है, एक सीक्वेंस में चल रहा है। स्टार्टिंग में केवल हम आदर्श गैस के एक अणु का द्रव्यमान स्मॉल एम और अणुओं की संख्या कैपिटल एन ले रहे हैं। फिर तीनों अक्षों पर वेग के यदि घटक निकाल करके फिर उनके बल का मान निकाल के और बाद में हम उसका दाब निकाल लें तो उस दाब का कुल मान इसके बराबर आएगा। तो यदि फिर भी आपको इसमें कहीं डेरिवेशन में कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।